हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ अपने छोटे छोटे से जो भी प्लांट लगा रखी हूँ, जो सीडलिंग्स लगा रखी हूँ और जो कटिंग से मैंने प्लांट तैयार किया है उसका मैं किस तरह से देखभाल करती हूँ और किस तरह से देखभाल करना चाहिए उसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो अगर मेरी वीडियो पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सारे जो प्लांट हैं कुछ को मैंने कटिंग से ग्रो किया है और कुछ मैंने सीड्स लगाए हैं और दोनों का मैं केयर एक जैसे करती हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो भी कटिंग और सीड से आपने प्लांट लगाया रखा है और गर्मियों में खास करके आप सारे प्लांट को एक जगह इकट्ठे रखें ताकि एक दूसरे से प्लांट को मॉइस्चर मिलता रहे तो प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेगा। दूसरा चीज़ है फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर प्लांट में करना चाहिए वो है पिंचिंग। चाहे वो कटिंग हो या फिर जो सीड से ग्रो करते हैं वो प्लांट हो, दोनों में पिंचिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब प्लांट 5 इंच का हो जाता है उसके बाद से आप पिंचिंग स्टार्ट कर दें और हर 15 से 20 दिन बाद आप पिंचिंग करते रहें। तब तक करें जब तक आपका प्लांट बिल्कुल बुशी नहीं हो जाता है, हेल्दी नहीं बन जाता है, तब तक आप इस प्लांट को पिंच करते रहें। ये सारे हमने सीड से तैयार किया है प्लांट और काफ़ी बड़े हो चुके हैं, पिंचिंग के लायक हो चुके हैं। तो इस तरह से ऊपर का टिप्स काट दें ताकि नीचे से 2-3 ब्रांच और निकले। जब प्लांट बुशी होगा तो बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे ब्रांच में बहुत सारा फ्लावरिंग आपको मिलेगा और एक जो ऊपर की ओर टहनी चला जाता है तो एक ही ब्रांच में आपको कितना फ्लावरिंग मिल सकता है। इसीलिए हम प्लांट को पिंच करते हैं ताकि हमारा प्लांट बुशी बने और बहुत अधिक फ्लावरिंग मिले। तो जब हम प्लांट को पिंच करते हैं तो उसे ग्रोथ करने के लिए और बड़ा होने के लिए सबसे पहले उसे फर्टिलाइज़र चाहिए, तो उसे फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर देखिए, मेरे कुछ सीड से खुद से जर्मिनेट हो गए हैं पिटूनिया के प्लांट और ये 2.5 से 3 इंच के प्लांट है और 2-3 फ्लावरिंग हो रखा है। छोटे छोटे से प्लांट में जब इस तरह से फ्लावरिंग होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। खुद से जर्मिनेट होकर जब फ्लावरिंग होता है प्लांट्स तो और भी ज़्यादा खुशी मिलता है। मैं हर प्लांट को 15 दिन बाद पिंच करती रहती हूँ। और ये हमारा पर्सलीन है जिसे मैंने कटिंग से लगाया है। इस पॉट में 2 से 3 कटिंग मैं लगाई थी और 1 महीने बाद देखिए इसका ग्रोथ कितना अच्छा हुआ है। इसमें से मैं काफ़ी सारे कटिंग भी लगा चुकी हूँ, फिर भी ये प्लांट काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी बुशी है, काफ़ी ज़्यादा प्लांट हो रखे हैं। रिजल्ट के लिए आप देख लें कितना बुशी प्लांट हो जाता है पिंच होने के बाद, आपके सामने रिजल्ट है। ये देखिए छोटे छोटे से जो प्लांट है वो कितना बुशी बन गए हैं। इसे अभी मैं पिंच नहीं करने वाली हूँ, इसे मैं एक बार फ्लावरिंग ले लूँगी उसके बाद अब पिंच करूंगी। तो दूसरा चीज़ है, आप अपने प्लांट में पॉट में हमेशा गुड़ाई करते रहें। 15 दिन या मंथ में एक बार तो ज़रूर गुड़ाई करें या फिर जब भी फर्टिलाइज़र आप ऐड करते हैं तब तो ज़रूर गुड़ाई करें। गुड़ाई करने के बाद अच्छे से जब मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही फर्टिलाइज़र ऐड करें। तो गुड़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मिट्टी बनाते टाइम आप ध्यान रखें, बेलड्रन मिट्टी बनाएं, किसी भी प्लांट के लिए बिल्कुल हल्की सी मिट्टी बनाएं। और इसमें फर्टिलाइज़र हमें कौन सा ऐड करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, इसका लिक्विड बना करके भी आप डाल सकते हैं अपने प्लांट में। ऐसे आप इसके छोटे छोटे से टुकड़े करके भी इसके पॉट में नीचे दबा करके मिट्टी से ऊपर से ढक दे और पानी देने के बाद ये मिट्टी में खुद से घुलते रहता है और प्लांट को पोषण देते रहता है। तो बहुत सारे वीडियोस मेरे इसके लिक्विड पे बना रखा है मैंने, तो उसे आपको देखना है तो चैनल पे डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। और ऐसे आपको खुद अगर बड़े बड़े जो टुकड़े हैं उन्हें डालना है तो बस गुड़ाई करके मिट्टी सूख जाने दीजिए, उसके बाद में छोटे छोटे से जो टुकड़े होते हैं उन्हें दबा करके और फिर से अच्छे से पानी डाल दें। और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाता है घुलने में लेकिन रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देता है। दूसरा चीज़ है, अगर प्लांट आपका बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा है प्लांट में तो आप DAP का 2 से 4 दाना डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर मंथ में 2 से 4 दाने आप डालते हैं DAP का तो बहुत ही जल्दी प्लांट का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने मिट्टी पोरस बनाया है, अच्छा बनाया है और अच्छे से देखभाल करते हैं तो सवाल ही नहीं होता है कि आपका प्लांट अच्छा ग्रोथ ना करे और हेल्दी ना रहे। फर्टिलाइज़र देने के बाद आप पानी ज़रूर डालें, वाटरिंग करना बहुत
ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी फर्टिलाइज़र आप ऐड करते हैं प्लांट में तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स कि आप ओवर वाटरिंग ना करें, जो छोटे छोटे से प्लांट होते हैं उनको ओवर वाटरिंग कभी ना करें। आप तभी पानी डालें जब मिट्टी ऊपर का सूख गया हो, तभी उसमें वाटरिंग करें। और अगला है कि आप इसे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें, तेज़ धूप में रखने से प्लांट जल सकता है, उसका कंडीशन ख़राब हो सकता है। अभी हमारे यहाँ काफ़ी गर्मी हो रहा है, काफ़ी लू हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आप प्लांट को कभी भी ऐसी जगह तो ना रखें, छोटे से प्लांट को तो बिल्कुल भी ऐसी जगह ना रखें जहाँ पूरे दिन की सनलाइट मिलती हो, 2 से 4 घंटे की सनलाइट मिलती हो, ऐसी जगह पर रखें। तो आज की जानकारी यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है वीडियो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक नए जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने बगिया का ढेर सारा ख्याल रखें। जय माता दी फ्रेंड्स।